So first off, all we'll be studying the definition of acceleration due to gravity. What do we understand when we say that acceleration due to gravity? Okay, see, what is acceleration due to gravity? Right, we say like this way: the acceleration produced in the motion of body under the effect of gravity, under the effect of gravity is called as acceleration due to gravity. Okay, is called as acceleration due to gravity. So gravity, राइट right? देखो ये क्या है, सुनो, आपको पता है हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अगर आपके पास इस तरह से, मान ले एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, लाइक दिस वे, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के पास हमने एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर रखा गया है, ठीक है? सो दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स, राइट? पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है इसका मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम है, और ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है इसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल एम है। ओके, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, देयर सेंटर्स। ओके, वी हैव टू डील विद द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज आर, से फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज आर। सो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यू नो दीज टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है? तो ये जो एम है, छोटा वाला ऑब्जेक्ट, इसको अट्रैक्शन होगी डाउनवर्ड्स इस तरह से, ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक। सिमिलरली ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, दिस विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, दिस विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन दिस स्मॉल एम, ऑन स्मॉल एम ड्यू टू दिस कैपिटल एम। ओके, एंड दिस विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन कैपिटल एम ड्यू टू स्मॉल एम। ओके, ऑन कैपिटल एम ड्यू टू स्मॉल एम, राइट? सो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? अब देखो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैंने इसके बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बहुत कुछ बोला है इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब सुनो, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, सपोज ये मान लो अर्थ है, ओके, दिस इज अर्थ, राइट? सो वी आर कंसिडरिंग दैट द सेकंड ऑब्जेक्ट इज अर्थ, राइट? सो ये जो ऑब्जेक्ट है ना स्मॉल एम, ये अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द अर्थ। देन इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक खास नाम रखा गया है यहाँ पे, देन साइंटिस्ट कॉल इट ग्रेविटी। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर व्हाट डू वी मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी जो है ना, इट इज द फोर्स ऑफ अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ओके, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ओके, लेट मी राइट दैट डेफिनेशन। Gravity is the force of, is the force exerted by Earth on any object, exerted by Earth on any object. Okay, ना? और gravitational क्या है? Gravitational force is generally used for any type of force of attraction. Okay, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एनी टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, देन दिस फोर्स इज टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो यू ग्रेविटी, सॉरी, सो आप याद रखोगे ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे ग्रेविटी, इट मेनली रेफर्स टू, इसका मतलब होता है मेनली रेफर्स टू फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, it mainly refers to force exerted by earth, right? gravity जब मैं कहूँ तो इसमें earth जरूरी आएगा, ठीक है? तो it's force of earth, right? अब जब, sorry, difference फिर से बोलिए। okay, let me say it once again. I'm saying that अगर आप दो objects को consider करोगे, तो दो objects के बीच में जो force होता है ना, attraction force, that is called as ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, लेकिन इफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर दोनों में से एक ऑब्जेक्ट होगा अर्थ, ठीक है, अगर आप अर्थ की बात करोगे, से फॉर एग्जांपल अर्थ इज अट्रैक्टिंग सम ऑब्जेक्ट, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, लेकिन उस टाइम पे उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी कहा जाता है। ओके, इन जनरल यू रिमेंबर दैट फोर्स ऑफ अर्थ ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट,
gravitational force of Earth on any other object is termed as gravity. Okay, let me write this definition. I'm saying that gravitational force of Earth on any object, on objects, okay, is called as gravity, right? क्योंकि हम अर्थ की फोर्सेस के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट ने इसको बिल्कुल अलग से क्लासिफाई करके रखा हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर लगाती है उस चीज को ग्रेविटी बोला जाता है। ओके, सो से फॉर एग्जाम्पल आपने वो न्यूटन का वो फेमस चीज सुना होगा कि जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर ये अर्थ है और एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ गिरता है, ठीक है, उन्होंने देखा था एप्पल जो है अर्थ की तरफ ही गिर रहा था, उन्होंने रीजन फिर भी दिया था ग्रेविटी। ओके, उन्होंने कहा था ग्रेविटी, राइट, कि अर्थ जो है ना वो इस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, इस तरह से अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, बाय अ फोर्स विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। ओके, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटी, राइट। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा ना, दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ बाय द फोर्स कॉल्ड एज ग्रेविटी। ओके, अब जब फोर्स लगेगा यहाँ पे, ओके, सो आई एम सेइंग दैट दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, से फॉर एग्जांपल दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स हियर, FG इज ग्रेविटी। ओके, इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेट मी राइट इट, इट्स FG, इट्स ग्रेविटी, राइट। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फिर एक्सेलरेशन भी आ जाएगी, obviously जहां कहीं पर भी फोर्स होता है एक्सेलरेशन तो आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगी m into a, लेट मी राइट दैट एक्सेलरेशन m a, ठीक है, फोर्स एज m a, दिस a द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, आई हैव मेंशनड द डेफिनेशन, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट के अंदर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Okay, that's acceleration due to gravity. If somebody says, what do we mean by acceleration due to gravity? It's simple. किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, देयर इज अ सिंबल स्मॉल जी व्हिच इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Okay, the acceleration produced by the acceleration produced in the object is by the attraction of Earth. Okay, attract jab unko Earth karti hai apni taraf, theek hai, right? Okay, let's move ahead now. Now the thing has become quite important. See, अगर हमें acceleration due to gravity को निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, देखो अगर इस तरह से consider करोगे, if you consider this to be Earth. चलिए मान लेते हैं अर्थ है आपके पास, ठीक है, एंड दिस इज से फॉर एग्जांपल इट्स रेडियस, दिस इज सेंटर, एंड से फॉर एग्जांपल इट इज द रेडियस, राइट, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, राइट, एंड देयर इज सम ऑब्जेक्ट व्हिच इज हियर, ओके, लेट मी से इट इज हियर, द ऑब्जेक्ट इज हियर राइट नाउ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ओके, द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट सर्फेस ऑफ अर्थ पर है तो इट विल बी अट्रैक्टेड towards the earth by a force called as gravity. Okay, this will be the force of gravity जो यहाँ पे होगा, ठीक है, इस object को attraction होगी towards the center of earth, right? This is the force, acceleration due to, this is the force, ठीक है, right? Let me write it as FG, gravitational force. Okay, this is FG, gravitational force, ठीक, अब ये gravitational force कितना होगा, अगर इस object का mass हम मान लेते हैं small m है, earth का mass मान लेते हैं capital M है, ठीक है, तो वी कैन राइट द ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा, वी कैन राइट द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज सिंपली रिटन एज, ओके, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, कहते हैं ना एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, वी राइट इट लाइक दिस वे, ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है, सो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना एफ जी, लेट मी राइट दैट, दैट इज जी, वट इज एम वन, पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास कैपिटल एम है, ठीक है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ दिस इज आर स्क्वायर, ओके, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एफ जी, वी कैन यूज न्यूटन सेकेंड लॉ हियर, ओके, वी कैन यूज न्यूटन सेकेंड लॉ, ओके, आई एम राइटिंग इट यूजिंग सेकेंड लॉ, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट, तो व्हाट कैन वी राइट इफ वी आर यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, तो यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेट मी राइट इट मास
and let us write the acceleration of this object by g. Okay, let me write it by g, acceleration due to gravity. Okay, so this is force into acceleration. So I can replace this fg by this thing, m into g is equal to g m by r square. Okay, so the factor will be cancelled, m and m will be cancelled, so acceleration due to gravity will get the value of g is equal to g m by r square. Okay, g m by r square, right? This is the formula, g m by r square. This is the acceleration due to gravity, right? This is acceleration due to gravity. Now see one thing, यहाँ पे आप एक चीज देखो इस एक्सप्रेशन के अंदर कि अगर मान लो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये डिपेंड ही नहीं करता है ऑब्जेक्ट के मास पर. जो छोटा ऑब्जेक्ट है जिसमें ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, उस ऑब्जेक्ट के मास पर ये डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, सो वी हैव टू मेंशन दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, mass of object in which acceleration is produced. ये उस object के mass पे depend ही नहीं करता है जिसमें acceleration produce हो रही है. ठीक है, in which acceleration is produced. ठीक, जिसमें acceleration produce हो रही है उस object के mass पर ही depend नहीं करता है. ठीक है, right? You have to remember that thing. Okay? So मतलब ये कि अगर आपके पास कोई object है, say for example इस तरह से आपके पास ये object है, means we can say like this way कि अगर हम earth को consider कर सकते हैं like this way, if this is earth here, okay? And हम यहाँ पे दो objects ले रहे हैं. Say for example I am taking two objects. One of the object I am taking here, okay, right here, okay, this here, right. Second object I am taking here, okay. Second object, you can see second object is slightly bigger than first object. Second object bada hai. Agar is chote wale object ka mass m1 dekh lete hain, theek hai. Iska mass hum m2 dekh lete hain, theek hai. Suppose, aur yahan se maan lo distance hai r. To what is the acceleration due to gravity for first object? Acceleration due to gravity for first object will be g m by r square. Okay, this object, इस object का जो mass है ना, वो हमें consider करना है g m by r square. You can say कि देखो जब आपने अभी acceleration due to gravity निकाला इस वाले केस के लिए, तो आप देखो यहाँ पे इस expression में कहीं इस small m का mass आया नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पर भी m1 नहीं आएगा. It will be simply g m by r square. Okay, what will be the acceleration due to gravity for second object? It will again be equivalent to g m by r square. Okay, so चाहे object छोटा हो, उसका वजन कम हो या उसका वजन ज्यादा हो, acceleration due to gravity will be same. Okay, the acceleration due to gravity will be same. Okay, अगर आप एक electron लोगे, एक छोटा सा electron, हालांकि ये example जो है ठीक नहीं है, लेकिन I am just saying it कि अगर आप एक छोटा electron लोगे, ठीक है कि नहीं, और एक बड़ा सा stone, एक बड़ा सा पत्थर लोगे, ठीक है कि नहीं, है ना, एक बड़ा सा पत्थर जिसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, दोनों को जब आप अर्थ की तरफ घुमाओगे, अर्थ की तरफ फेंकोगे ना, both will have acceleration this value g m by r square. Okay, so acceleration due to gravity only depends on mass of the this object, mass of earth, I can say mass of earth. ठीक है, acceleration due to gravity depends on mass of earth first, and then it depends on r square, inversely proportional to r square. It do not depend on the mass of the object जो कि earth की तरफ आ रहा है. ठीक है, उस object के mass पर तो ये depend नहीं करता है. Is that clear? Okay, so it's clear now कि acceleration due to gravity depends on mass of the object, mass of earth only, right? So let me say then what is happening. Say तो हमें acceleration due to gravity का जो value obtain हुआ, that is g is equal to g m by r square. Okay, this value is g is equal to g m by r square, g m by r square. Now this m is refers to the mass of earth. ठीक है, r refers to the this radius of earth. Okay, let me say for an object तो हमें पता है for earth, अगर हम earth के लिए देखेंगे ये सारी चीजों का value, तो आपको पता है capital R is nothing but it is equal to 2 into 10 to the power. Okay, if you say it is 2 into 10 to the power, okay, 10 to the power what? 10 to the power 24, 6, okay, sorry, 6 into 10 to the power 24, sorry, it's 6 into 10 to the power 24, let me write it.
6 × 10⁻¹⁴. ओके, फॉर अर्थ एम इज नथिंग, अर्थ का मास अगर देखा जाए तो इट इज 6 × 10⁻¹⁴ अर्थ के लिए, 6 × 10⁻¹⁴ केजी अर्थ का मास, ठीक है। सिमिलरली अगर रेडियस ऑफ अर्थ देखें तो रेडियस ऑफ अर्थ इज नथिंग बट इट इज 6.4 × 10⁻⁶ मीटर्स। ओके, दिस इज द वैल्यू, राइट। एंड जी का वैल्यू तो आपको पता है, इट इज 6.67, यू ऑल नो इट, 6.67, ओके, × 10⁻¹⁰, ओके, −11, व्हाट इज द दिस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके, यूनिट है इसका, राइट। तो यू कैन यूज दिस वैल्यू, तो जी विल बी, ओके, यूज ऑल ऑफ देम, यूज द वैल्यूज, जी का वैल्यू, एम का वैल्यू, आर का वैल्यू, और इट विल अगेन बी, इट विल बी इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ओके, ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। ओके, दिस विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। सो आपको याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ से, जो ऊपर से नीचे गिरता है, जो अर्थ की तरफ फॉल होता है, उसकी एक्सेलरेशन होती है 9.8, राइट। ये गैलीलियो ने भी कहा था कि इफ यू थ्रो ए पेपर, अगर आप एक पेपर ऊपर से नीचे गिराओगे और एक स्टोन, बड़ा सा पत्थर ऊपर से नीचे गिराओगे, बोथ विल कम डाउन विद द सेम एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, ठीक है। सो वट एवर, मैं नहीं कह रहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा एक्सेलरेशन सेम होगी, ठीक है। मीन्स इफ यू हैव अ प्लेन ऑफ पेपर हियर और इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, दोनों को आप गिरा रहे हो टुवर्ड्स द अर्थ, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द माइटी अर्थ, ओके, आप इस अर्थ की तरफ इनको दोनों को गिरा रहे हो, ठीक है। तो दोनों में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी ना, ये जब, ये पेपर जब नीचे आएगा, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी ना, दैट विल बी 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, इसकी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होगी, ठीक है, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट, बड़ा सा स्टोन जो आप नीचे की तरफ गिरा रहे हो, उसका भी जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ही होगा, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस चीज पे डिपेंड ही नहीं करता है कि जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है उसका मास कितना है, ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट थिंग। ओके ओके, इफ यू कंसिडर, ये अर्थ मैंने कंसिडर किया, ठीक है, इफ यू कंसिडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर सम अदर ऑब्जेक्ट, फॉर सम अदर प्लेनेट, से फॉर एग्जाम्पल फॉर सम अदर प्लेनेट, इट विल बी डिफरेंट, ओके, ये डिफरेंट होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मून पे अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखोगे, वी विल प्रूव दिस, मून पे अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखोगे, वो अर्थ वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम है, जो अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम है, सॉरी ज्यादा है, और मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम है, ठीक है। मीन्स आप कह सकते हो कि मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बताऊं तो इट इज 1/6 of acceleration due to gravity on Earth, okay? Due to gravity on Earth, ठीक है? Earth पर जो acceleration due to gravity है, उसका 6th value, means आप देख सकते हो, it is 1/6 of 9.8, okay? So अगर आप ये value calculate करोगे, ठीक है? इससे आपको पता चलेगा कि moon पर कितनी acceleration due to gravity होगी, moon कितनी acceleration produce करता है objects में जब वो उन्हें attract करता है, ठीक है? तो it's 1.63 बहुत ही कम, ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अर्थ, ओके, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अर्थ। सो इसी तरह से अगर आप किसी और प्लेनेट के लिए देखोगे, से फॉर एग्जाम्पल मार्स के लिए या जुपिटर के लिए या किसी और प्लेनेट के लिए, दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल चेंज, ओके, ये ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, ये मास पे डिपेंड करता है, किस मास पे, प्लेनेट के मास पे, अर्थ के मास पे, हेवी बॉडी के मास पे, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट थिंग। So what does this mean? कि acceleration due to gravity on the moon is less than that of Earth. It means that कि अगर कोई person है, अगर कोई बंदा है, say for example उसका mass जो है, कोई person है, इस तरह से उसका mass जो है, say for example उसका mass Earth के ऊपर कुछ है, weight Earth के ऊपर कुछ है, ठीक है, कुछ weight उसका है Earth के ऊपर, ठीक, say for example 30 kg और 60 kg, whatever it is, mass उसका है Earth पे, ठीक है। तो say for example this is a person. अब इसका मास जो है ना अर्थ के ऊपर, इट इज से फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग इट इज 50, ओके, 50 kg, इसका मास 50 kg है अर्थ के ऊपर। सो अर्थ कितना इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, यू नो, अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी एफ इज इक्वल टू एम जी, ओके, एफ इज इक्वल टू एम जी, राइट। तो इट इज
M50 है और G आप ले सकते हो 9.8, लेकिन लेट मी कंसिडर इट 10, फिलहाल मैं आपको 10 बोल रहा हूँ, ठीक है, फॉर इजी कैलकुलेशन. तो इट इज 500 न्यूटन. अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी विद दिस फोर्स, ठीक है, और ये जो अट्रैक्शन होती है ना, इसी को कहते हैं वेट. You have to remember what is weight. Weight is nothing but it is the force with which Earth is attracting you. ठीक है, Earth किस force से आपको attract करेगी, वही आपका weight हो गया. ठीक है, अगर आप इसी object को आप transit करवाओगे, say for example आप इसको moon पे ले जा रहे हो, ठीक है, same to same person को, इसको कहो चलो moon पे चलते हैं, ठीक है, तो आप लोग moon पे घूम के आओ फिलहाल, ठीक. तो जब आप moon पे पहुंचोगे, इसका mass जो है ना वो 50 kg रहेगा, mass में तो कोई change नहीं आएगा ना, mass 50 kg है, लेकिन वहां पे पंगा क्या है, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, एक्सेलरेशन जो है जी, दैट इज 1.63, वो वहां पे 1.63 है, ना कि 9.8, ना कि 10, कुछ ऐसा नहीं है, खाली 1.6 है, ओके 1.63 है, राइट. सो इसका वेट क्या होगा वहां पर, इसका वेट जो है ना वो वहां पे होगा एम जी, मीन्स 50 इंटू जी का वैल्यू आप डाल सकते हो 1.6, ओके इसका वैल्यू आप डाल सकते हो 1.6, राइट. सो कैलकुलेट दिस वैल्यू, तो से फॉर एग्जाम्पल उस इस बंदे का वेट कितना होगा वहां पर, ठीक है, तो यू कैन जस्ट से इट इज 1.80 न्यूटन. से इसका वेट कितना होगा, 80 न्यूटन होगा, राइट. तो मतलब ये बंदा जो अभी अर्थ पर 500 न्यूटन का वेट था इसके पास, अब मून पर जाकर सिर्फ 80 होगा, मतलब ये बंदा जो है ना इसको वेटलेस फील होगा, वेट कम इसको फील होगा, इसका इसको लगेगा कि जैसे मैं बहुत ही हल्का हूँ, ठीक है, इसको वेट कम फील होगा, ठीक है. इज दैट क्लियर, दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज मोर देन दैट ऑफ ऑन सम अदर प्लेनेट. ओके, से फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं बता रहा हूँ, से हमारे पास एक प्लेनेट है, से फॉर एग्जांपल वी हैव अ प्लेनेट, दिस इज अर्थ, ओके, दिस इज से फॉर एग्जांपल अर्थ. अब समझना अच्छे से बात को, मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एंड दिस इज सम अदर प्लेनेट, ओके ओके, यू पीपल आर नाउ जीनियसेस, यू हैव डिस्कवर्ड सम अदर प्लेनेट समवेयर, ओके, आपने एक प्लेनेट डिस्कवर कर लिया किसी जगह पे, पता नहीं कौन सा प्लेनेट है. अब आप उसके बारे में क्या कह रहे हो, आप उसके बारे में मुझे कह रहे हो कि ये जो प्लेनेट मैंने डिस्कवर किया है, इस प्लेनेट की रेडियस जो है ना अर्थ से ज्यादा है, इस प्लेनेट की रेडियस अर्थ से ज्यादा है. यू आर सेइंग मी आरपी, रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अर्थ. मैं कह रहा हूं कितनी, आप बोल रहे हो सर ट्वाइस, इस प्लेनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस से ट्वाइस है, ओके okay. आप इस तरह से बोल रहे हो, ओके ओके दैट इज ग्रेट, इस प्लेनेट की रेडियस अर्थ से डबल है, ओके आर ई, अर्थ से डबल रेडियस, राइट. नेक्स्ट थिंग इज कि इस प्लेनेट का जो मास है, आप मुझे वो भी बोल रहे हो कि सर इस प्लेनेट का जो मास है ना एमपी, मास ऑफ द प्लेनेट, वो ऑलमोस्ट 4 times है, वो 4 times है मास ऑफ अर्थ से. ओके, यू आर सेइंग मी लाइक दिस कि सर इस प्लेनेट की रेडियस डबल है अर्थ की रेडियस से, और इस प्लेनेट का मास जो है वो 4 times है मास ऑफ द अर्थ से. अब मैं आपको बोल रहा हूँ फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लेनेट, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लेनेट, देन ज्यादा होगा अर्थ से या कम होगा अर्थ से, वो मुझे पता. देखो अर्थ के लिए आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखोगे जी फॉर अर्थ ई, लेट मी राइट इट, ओके आई एम सेइंग इट इज जी, कैपिटल जी, एम, एम मीन्स मास ऑफ अर्थ, ओके लेट मी राइट इट एम ई, ओके डिवाइड बाय देन रेडियस स्क्वायर, देन लेट अस से इट इज आर ई स्क्वायर, ओके दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ. नाउ फॉर दिस प्लेनेट व्हाट इज इट, you can say sir acceleration due to gravity for this planet p is, say for example sir g is the gravitational constant, then mp mass of this new planet, okay, divided by radius of this new planet, okay, this is the planet you people have discovered, so iski radius is tarah se rp square, hai na. To mujhe batao what you can write, you can write g, okay, what is mp, mp is 4 times me, I can write it 4 times me, okay let me do it, 4 times me divided by, okay divided by, let me write radius rp, rp is double, so I can write twice re, then I can write square, okay. To aap is tarah se bologe ki gp will be, ओके यू विल सी सर 4 यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद जी, उसके बाद एम ई, और नीचे क्या आएगा, जस्ट से आप
2 का स्क्वायर लोगे तो इट विल बी 4 एंड देन यू विल हैव r ई स्क्वायर. ओके 4 एंड 4 इज गॉन तो क्या बचेगा r ई स्क्वायर. देन 4 एंड 4 इज गॉन तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट gme / r स्क्वायर. ओके gme / r स्क्वायर राइट r ई स्क्वायर. तो ये तो बराबर वही हुआ ना जो अर्थ का वैल्यू है. ठीक है तो आप बोलोगे सर इस प्लेनेट पर gp इस प्लेनेट पर सेम टू सेम वैल्यू होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो कि अर्थ पर था. ठीक है जो वैल्यू अर्थ पर था वही वैल्यू इस प्लेनेट पर भी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का. ओके इट विल नॉट बी चेंज्ड राइट. सो सिमिलरली अगर आपको ऐसी कोई कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से दिया जाए तो यू कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट. ओके बट इज इट क्लियर है राइट. नाउ आई विल जस्ट मूव टू सम अदर थिंग. That is like this. देखो हमने acceleration due to gravity के लिए जो value लिखा that is g is equal to gm by r square. Okay, we have written it gm by r square. Is that clear? This is the value, right? अब चूंकि हमने earth को यहाँ पे consider किया हुआ है, we have considered earth और हमने मान के चला है कि earth जो है spherical है. Okay, इसकी radius r है. ठीक है हम यहाँ पे फिलहाल assumption ले रहे हैं कि earth spherical है. तो अगर earth sphere है इसका volume कितना होगा फिर? इसका वॉल्यूम होगा 4/3 pi r cube. ओके इसका वॉल्यूम ऑब्वियसली होगा 4/3 pi r cube. इसका वॉल्यूम 4/3 pi r cube. ओके अगर मैं इसकी डेंसिटी देख लूं, डेंसिटी रो डेंसिटी आपको पता है डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ओके एवरीबॉडी नोज दैट मास इनटू वॉल्यूम. सो मास कितना होगा? मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी मल्टीप्लाई टू वॉल्यूम. Density to volume. Okay. So let me write M is equal to density is there, rho. And what is the volume by the way? Volume is 4/3 pi r cube. Okay. Let us say it is 4/3 pi r cube. Okay. So let us replace this value M in this expression. Okay. So G ka value kya aayega? G will be G by r square. और m का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो इट विल बी 4/3 pi r cube. देन वी हैव रो. ओके ओके आई थिंक इट्स गुड. तो देन r स्क्वायर एंड एक r यहां से कैंसिल, दो r यहां से कैंसिल हो जाएंगे तो g विल बी सिंपली यू कैन राइट इट 4/3 pi लिख सकते हो. ठीक है हाँ और एक r जो ऊपर बचेगा r लिख सकते हो. Then you can write rho and then you can write g. So this is 4/3 pi r rho g. This is what we call as, this is the acceleration due to gravity. This is again the value of acceleration due to gravity. But in terms of what? In terms of, this is acceleration due to gravity in terms of density. This is acceleration due to gravity in terms of density. Okay. Due to gravity in terms of density. Right. Terms of density. Okay. So this is the acceleration due to gravity in terms of density. You can use that value. अगर आपको density earth की पता है आप इस value का use कर सकते हो. ठीक है. Okay. Now let me conclude कि acceleration due to gravity किसकी चीज़ पे depend करता है. सबसे पहली बात, acceleration due to gravity इन चीज़ों पे depend करता है. याद रखना. So small g. Okay. Depends on following. पहली बात. Depends on following. देखो किस चीज़ पे. पहली बात, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है ना. ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है. ठीक है यू कैन सी इट r, r यहां पे मैं बोल रहा हूं r या r स्क्वायर राइट. डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स उस चीज पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है. पहली बात तो ये. दूसरी बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है मास ऑफ प्लेनेट पर या मास ऑफ मास ऑफ प्लेनेट ही बोल सकते हैं. ठीक है और बॉडी ड्यू टू विच एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, ड्यू टू विच जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू विच एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है राइट. ठीक है तीसरी बात, यहां पे देखो इस वाली एक्सप्रेशन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है किस पे, डेंसिटी ऑफ अर्थ पर भी. इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन तीनों चीजों पर डिपेंड करती है. Okay, this is what is the conclusion of this today's, this whole lecture. Okay, so this is the conclusion, right? Now, yahan pe ek cheez aap yaad rakho, we'll discuss these things in detail, one by one, turn by turn, hum inko discuss karenge, theek hai?
हम इनको टर्न बाय टर्न डिस्कस किया करेंगे, ठीक, ऑल दीज थिंग्स, राइट।